ये है डॉक्टर धीरज, अपना इंट्रोडक्शन वैसे खुद ही देंगे, पर मुझे ये इसलिए याद है कि मैं पतंजलि में इनका प्रैक्टिकल लेने गई थी द्रविड़ का, और ये एकमात्र विद्यार्थी है मेरे जीवन में जिसने कि मुझे 50 की 50 महाभाषाए के श्लोक कंठस्थ सुनाए थे, और इतनी मतलब इतने कम टाइम में सुनाए होंगे, 100 बच्चों का वहाँ पर प्रैक्टिकल था, तो इसके लिए एक बार तालियां बजाओ। कुछ किसी को भी याद नहीं है, इसलिए मुझे ये बच्चा याद है। 3 साल पास की और मैंने इसको स्पेशल इनविटेशन दिया था कि उनको इस कार्यक्रम में आना है, तो यहाँ पर आने का एक पर्पस ये भी है कि हम आपस में एक दूसरे से सीखे, ठीक है ना, कि किसके अंदर क्या विशेषता है वो भी हमें सीख के जानी है यहाँ से। तो अभी थोड़ा सा इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि कुछ आपको अपने विचार रखना चाहते हैं, तो आप इनसे अब डॉक्टर धीरज को माइक देती हूँ, आगे का विषय बोलते हैं। सर्वप्रथम माँ सरस्वती चरणों में रखना एवं मेरे समस्त शिक्षकगणों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और यहाँ पे आ गए समस्त आगंतुकगण अतिथिगण एवं श्रोतागणों को मेरी शुभकामनाएं। आज की इस संगोष्ठी के माध्यम से आप सभी के समक्ष मैं आयुर्वेद के उत्कृष्ट सिद्धांतों का व्याख्यान करूंगा। देखिए, आयुर्वेद एक ऐसी विज्ञान है जिसके अंदर सभी विज्ञान निहित है। मैं कहूं आयुर्वेद के अंदर फिजिक्स भी है। 11 नंबर का श्लोक मिलता है, क्या मिलता है, द्रव्य उद्गमनम तत्र प्रायोक्त अग्नि पवनोत्कटम अधोगामी च भूष्टम भूमि द्वय गुणादिकम। वह द्रव्य नीचे की ओर गमन करते हैं जिसके अंदर पृथ्वी प्लस जल महाभूत की प्रधानता होती है, और वह द्रव्य ऊपरी तरफ गमन करते हैं जिसके अंदर वायु प्लस अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। और जिस समय आयुर्वेद में सिद्धांत आया उस समय न्यूटन का जन्म भी नहीं हुआ था। और मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता महसूस हो रही है कि जो नासा है, नासा ने भी इसी श्लोक को आधार मानकर रॉकेट फ्यूल का निर्माण किया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रॉकेट के अंदर 2 टाइप्स के फ्यूल होते हैं, एक होता है सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल, एक होता है लिक्विड प्रोपेलेंट फ्यूल। तो दोनों फ्यूल का निर्माण किया गया था वो इसी श्लोक को आधार मान के किया गया था। और आप देखिएगा जो नासा के रिसर्च आर्टिकल आते हैं, जब से इस श्लोक को आधार मानकर फ्यूल बनाया गया है तब से जो ईंधन ब्लास्ट होता था वो बहुत कम हो गया है। एक दूसरा में क्या पढ़ाया जाता है कि जो अभिकेंद्रीय बल होता है, जो सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं, F is equal to mh square में आर्गन फिजिक्स में पढ़ते हैं, ये किसने बताया, हयांस क्रिस्टन ने बताया, जो कि पूर्णतः असत्य कथन है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा इस बात, जो अभिकेंद्रीय बल है इसका उल्लेख अष्टांग अध्याय के 3rd अध्याय में 3rd नंबर के श्लोक में मिलता है। उसमें कहा गया है कि चंद्र उसी कर्पूर मुक्ता इस तरह नोदनम सौधे सौदवर्णम चंद्रिका मृदनी उठे। हमारे शास्त्रों में बताया गया है हमारे शरीर के अंदर जितनी भी सिराए हैं, जितनी भी धमनियां हैं, जितने भी स्रोतस हैं, और सबका मूल हमारी नाभि होती है, और जो नाभि की आकृति होती है वो रथ के चक्कर के समान होती है। और यहाँ तक ये भी बताया गया है कि नाभि के अंदर जो सिरा वाहिनियां होती है, रक्त वाहिनियां होती है, उनके अंदर रक्त सप्लाई होती है, वो वर्तुलाकार फोर्म के अंदर होती है। तो हमारे नाभि सबसे पहले अभिकेंद्रीय बल का एक प्रमुख उदाहरण है। जिस समय क्रेटन हायत इसकी खोज कर रहे थे उस टाइम उनकी नाभि के अंदर ये बल फोर्स मौजूद था। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, आप किसी व्यक्ति की नाभि के ऊपर नील का लेप कर दीजिए, तो प्रियंगो से कुटन्नतम
विवेकायन